परोकार। अमरोहा में बीजेपी विधायक का मनाया गया जन्मदिन, विधायक राजीव तरारा रहे मौजूद। गाजियाबाद में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट, पुलिस ने अतिक्रमण को भी हटवाया। गोंडा में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रदर्शन, सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। लखनऊ में कड़ाके ठंड के बाद भी खुले विद्यालय, घने कोहरे के चलते ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। फरीदाबाद में खाकी की आड़ में पुलिस की गुंडागर्दी, चेकिंग के नाम पर की मारपीट। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। खबर गोंडा से है, जहां आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं ओबीसी आरक्षण के फैसले को लेकर कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार पर घेराव किया और कहा कि आम आदमी पार्टी भाजपा के ऐसे कदमों के खिलाफ डटकर खड़ी रहेगी। साथ ही उन्होंने अपनी बातों को रखते हुए राज्यपाल को ज्ञापन संबोधित कर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। दिग्गज पांडे, आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष। और अभी कुछ दिन पहले आरक्षण पर एक रिट दायर की गई थी और उस पर माननीय हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया कि आप या तो आरक्षण को जो नियमानुसार जो त्रिस्तरीय फार्मूला था उस पर लागू करिए, तब आप ओबीसी आरक्षण करिए, अन्यथा आप उन सीटों को जनरल मानते हुए चुनाव करा दीजिए 30 जनवरी तक। दरअसल हम लोगों का ये कहना है अमरोहा में गजरौला में सामाजिक संस्था झारखंडी महादेव संघ के द्वारा मंडी धनोरा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजीव तरारा का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। इस दौरान विधायक राजीव तरारा खुद मौजूद रहे और साथ ही सामाजिक संस्था झारखंडी महादेव सेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने कहा कि विधायक राजीव तरारा युवा दिलों की धड़कन है, इसलिए उनका जन्मदिन केक काटकर मनाया गया है और भगवान से उनकी लंबी आयु की कामना की गई है। आज माननीय विधायक जी का जन्मदिन है, उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही हमने एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया था, जिसमें हमने निःशुल्क सफाई जाँचें की। उसमें हीमोग्लोबिन, खून की कितनी मात्रा होती है शरीर में, डीएलसी, ये इन्फेक्शन कितना है ब्लड में, और ब्लड शुगर, शुगर की जाँच, जिसमें शुगर है या नहीं है, थायराइड की जाँच, पेशेंट को थायराइड है या नहीं, कोलेस्ट्रॉल की जाँच, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती नहीं रही है, मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारी की सारी जाँचें हमने निःशुल्क की। गाजियाबाद में लोनी में होने वाली भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी लोनी पहुंचेंगे। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लोनी बॉर्डर पुलिस और अधिकारी लोनी बॉर्डर का जायजा ले रहे हैं। इसके साथ ही वहां पर भारत जोड़ो यात्रा मार्ग पर हो रहे अतिक्रमण को भी हटाया गया। रूट प्लान जो भी पैदल और बाई रोड रहेगा तो उसके अनुसार हम लोग ड्यूटी लगाई गई है, पूरे रूट पर ड्यूटी रहेंगी और रूफटॉप ड्यूटीज़ भी लगाई गई हैं। पीएससी भी पर्याप्त संख्या में हमें मिली है तो उसको भी हम लोग डिप्लॉय करेंगे, तो पर्याप्त संख्या में हमारे पास पुलिस बल है और हम पूरे जो कार्यक्रम के अनुसार इसको सकुशल कराने के लिए हमारी पूरी टीम मौजूद है और हम लोग इसको अच्छे से संपन्न कराएंगे।
खबर फरीदाबाद से है, जहां पुलिस खाकी की आड़ में गुंडागर्दी कर रही है। आपको बता दें कि 31 फर्स्ट की नाइट चेकिंग के नाम पर स्थानीय पुलिस और ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की गुंडागर्दी सामने आई है, जहां पुलिसकर्मियों का कार सवार युवकों ने साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। कार सवार युवक अपनी कार में बेकरी का सामान ला रहे थे, जिसके बाद मारपीट का विरोध करने पर पुलिसकर्मियों ने जबरन कार को इम्पाउंड किया। उत्तर प्रदेश के 59 जिलों में घने कोहरे के चलते ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस क्रम में राजधानी लखनऊ समेत 29 जिलों में मौसम विभाग ने कोल्डे की चेतावनी भी दी है। साथ ही बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी स्कूलों को यह निर्देश दिया है कि कोई भी विद्यालय 10 बजे के पहले नहीं खुलेंगे। आपको बता दें कि सरकारी विद्यालयों में से 1 से 14 जनवरी तक अवकाश कर दिया गया है। वहीं विद्यालयों को बंद करने का कोई निर्देश नहीं दिया गया। खबर औरैया से है, जहां खेत पर सिंचाई करने गए किसान की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। वहीं हादसे की वजह खेतों के चारों तरफ जानवरों से फसलों को बचाने के लिए लगने वाली तारी बने हैं। हादसे की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले को लेकर डिप्टी SP ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। युवक रात को सिंचाई के लिए खेतों पर गया था। पड़ोस के खेतों में लोहे के तार लगे थे, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। कल 1 जनवरी 2023 सायं करीब 4 बजे विधुना थाना अंतर्गत ग्राम कचपुरा के एक 32 वर्षीय व्यक्ति अपने खेतों में सिंचाई कर रहे थे। उसके बगल के खेत में पशुओं से सुरक्षा है, चारों तरफ कटीले तार लगे थे, जिसमें बिजली प्रवाहित हो रही थी, जिसको छू लेने से उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। परिजनों की तहरीर पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। सब को पंचायत नवाभर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मौके पर शांत व्यवस्था कायम है। खबर कासगंज से है, जहां मॉर्निंग वॉक पर निकले अधेड़ की सड़क हादसे में मौत हो गई। आपको बता दें कि एक तेज रफ्तार कार ने अधेड़ को जोरदार टक्कर मारी, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों का आरोप है कि अधेड़ की मौजूदा प्रधान सहित कुछ लोगों से चुनावी रंजिश चली आ रही थी, जिसके चलते प्रधान व उसके साथियों ने गाड़ी से टक्कर मारकर बुजुर्ग की हत्या कर दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही परिजनों की तहरीर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। पापा हमारे घर से निकले थे टहलने के लिए, तो गाड़ी शराब के ठेका पे खड़ी थी गांव में ही। तो पापा जब निकले हैं तो उस गाड़ी बहुत देर से चक्कर काट रही थी, शराब के ठेका पे खड़ी थी, वहां से आ रही थी, आई तो पापा को टक्कर मार दी। फिर हाँ, मैं इलाज के लिए ले गया था और गाड़ी कोहरा के कारण वो ले जा नहीं पाए, तो गाँव के बाहर छोड़ गए गाड़ी, गाड़ी पकड़ गई। खबर देवरिया से, जहां बरहज तहसील क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय में रणधीर दुबे ने बच्चों को योग करना सिखाया और बताया कि सभी को योग करना चाहिए, चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग। वहीं उन्होंने कहा कि हर गांव के क्षेत्र के लोगों को रविवार को 1 से 1.5 घंटा योग समूह में हिस्सा लेना चाहिए और बाकी के दिन अपने घर पर इस योग को दिनचर्या में डालने का काम करते रहना चाहिए। मतलब नहीं है, हमें अपने दिनचर्या में योग को शामिल करना चाहिए। वो एक 5 साल का लड़का हो या 100 साल के कोई बूढ़े व्यक्ति हो, इस उम्र के किसी भी व्यक्ति को अपने दिनचर्या में योग शामिल करना चाहिए। और ये हम शुरुआत किए हैं, हर रविवार गांव में जाकर जो भी सार्वजनिक स्थल हैं, जो विद्यालय हैं, वहाँ पर जो उस गाँव के क्षेत्र के जो है लड़के लड़कियों, उम्र दराज लोगों को भी, इसमें कोई उम्र की सीमा नहीं है, सभी लोग आएँ, समूह में 1 घंटा 1.5 घंटा उस दिन योग करेंगे और बाकी के दिन अपने स्वयं घर पर जो है अपने उस दिनचर्या में शामिल करें, योग करें, स्वस्थ रहें। बस एक पहल किया गया है। खबर लखीमपुर से है, जहां दुधवा टाइगर रिजर्व से होकर जाने वाली सड़क के किनारे का एक बाघ का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि वीडियो में बाघ सड़क किनारे मस्ती में टहलता हुआ दिख रहा है, तभी वहां से निकल रहे कार सवार राहगीर ने कार रोकी और बाघ की चहलकदमी को कैमरे में कैद कर वायरल कर दिया। वहीं कार की लाइट पड़ने पर वह जंगल की ओर चला जाता है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV।